हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनसीन फेरी टेल्स। यू आर विद कावे एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो फ्रेंड्स, करते हैं नए दिन की शुरुआत। और अभी बस मैं सो के उठी हूँ एंड आज फिर से मजदूरी वाला दिन है मेरी लाइफ में। तो ब्रेकफास्ट करके रेडी होके चलते हैं ऑफिस एंड मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। 2000 years later. ये है ओरिजिनल पे। ओके, कलर ये वाले हैं। ठीक है। और महादेव की ये वाली। दिखाती हूँ, मेरे पीछे हो रहा है सीता माता का मेकअप, आप देख सकते हैं। सभी लोग रेडी हो रहे हैं। अरे ये जॉब हो जाता है, और ये अपना स्किन टोन ले लेते हैं। हां, सब क्या मतलब रेडी हो रहे हैं? अब लगा दो। हाँ, चुटकू पिन है तो दे दो। हाँ हाँ हाँ, चारों चीजें ना सीधी पर लो, पहनना पड़ेगा पाउडर एंड ऑल। हां, सीधी पर लो। त्रेता युग में और रावण का वध करके, रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त करते हुए दशहरे के पर्व को मनाया गया। शुरुआत करते हैं है दृश्य जो मुख्य रूप से इन सभी घटनाओं का, इन सभी पात्रों का कारण बना। इसमें प्रथम मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं उन के पात्र, उन कलाकारों का, जिसमें हमारे पास माता सीता के रूप में है चारु माथुर, श्री रामचंद्र जी के अभिनय के पात्र के रूप में है कुलदीप, और लक्ष्मण के पात्र को अभिनय कर रहे हैं दीपक जी, और हनुमान जी के पात्र को अभिनय कर रहे हैं बीशु जी, और एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा कलाकार जो मारीच ने हिरण के रूप में लिया था, उसका अभिनय कर रहे हैं निशान। और हम सबके प्रिय रावण जिसका अभिनय कर रहे हैं हमारे आप सबके प्रिय किशन सर। कुटिया लगी हुई है जिसमें राम सीता लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं, और किस प्रकार से उस अभिनय को का पात्र बनते हैं आप उसको दिखाना चाहेंगे। सीते, हमें तो यहाँ पे कोई भी फर्क दिखाई नहीं दे रहा। इतना सुंदर, बिल्कुल सोने जैसा चमक रहा था, आप देख नहीं रहे? सीते, हमें तो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, और आप ये क्या बात कर रहे हैं? क्या मृग भी कभी स्वर्ग का होता है? यह पूरा जंगल मायावी राक्षसों से घिरा हुआ है, शायद ये किसी मायावी राक्षस की माया हो। हमें अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। आप हमसे प्रेम ही नहीं करते हैं प्रभु, अगर करते हैं तो जाइए और अभी उस सुंदर से हिरण को लेकर आइए। सीते, हम आपसे प्रेम तो बहुत करते हैं, बट आपकी रक्षा करना भी हमारा ही कर्तव्य है, और हमारा कर्तव्य कहता है कि हम आपके साथ रहे और आपकी सुरक्षा करें। ये कर्तव्य नहीं है, आपकी हट है, जाइए और अभी उस हिरण को लेकर आइए। सीते, आपकी हठधर्मी और चेहरे की उदासी हम पे सही नहीं जा रही, और इसके लिए हम आपके लिए वन में जा रहे हैं और स्वर्ण वृक्ष को लेने जाएंगे। लक्ष्मण, हम सीता की इच्छा को पूरा करने के लिए वन में स्वर्ण वृक्ष के लिए जा रहे हैं, और हमारी अनुपस्थिति में यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सीता का पूर्ण रहे रक्षा करें, और किसी भी कीमत पर आप सीता को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आपके आदेश का अवश्य पालन होगा भैया। और इस प्रकार से प्रभु श्री राम माता सीता की इच्छा की पूर्ति के लिए वन गमन को चले जाते हैं, उस स्वर्ण मरक को लेने के लिए जिसकी माता सीता ने कल्पना की थी। सीते, सीते, लक्ष्मण भैया, जरा देखकर आइए अपने दादा श्री को, मुझे लगता है वो किसी संकट में फंस गए हैं।
माँ ये कोई मायावी मालूम पड़ता है, और जैसा भैया पहले बता ही चुके हैं कि ये मायावी जंगल है, यहाँ पे ऐसी घटनाएं होती रहती है। भैया तो यूज क्वेश्चन उनको मतलब कोई बात बाका तक नहीं कर सकते, अवश्य लोग ऐसा आपका ऐसा ही आदेश है तो मैं अवश्य जाऊंगा और उनको जरूर लेकर आऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहूंगा। और यहाँ पर एक लक्ष्मण रेखा खींच के जा रहा हूँ और आपसे अनुरोध है कि इससे कभी भी बात नहीं और इस प्रकार से भैया लक्ष्मण भी अपने भ्राता श्री रामचंद्र की खोज के लिए चले जाते हैं, जिसमें माता सीता से आज्ञा लेकर चले जाते हैं। माता सीता अपनी कुटिया में बैठी हुई हैं अकेले, और उसी समय रावण का अभिभव होता है जो कि साधु वेश में आते हैं, और साधु वेश में आने के उपरांत माता सीता का हरण करते हैं, जिसको सीता हरण कहाया गया। इसी प्रकार से रावण का आगमन होता है। भिक्षाम देही कल्याण हो देवी, बहुत दूर से भ्रमण करके आ रहे देवी, आपकी कुटिया दिखी तो लगा यहाँ पर जलपान की व्यवस्था और आराम की व्यवस्था हो जाएगी, कृपया हमें कुटिया के अंदर आने दीजिए। आइए साधु, हम बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते देवी, आपको इस रेखा को पार करके हमें भिक्षा देनी होगी। लेकिन ये तो लक्ष्मण भैया ने रेखा बनाई है, उन्होंने मना करा है इस रेखा को पार करने की। मूर्ख स्त्री, बार बार हमारा तिरस्कार, पहले हमें कुटिया के अंदर आने से मना करा, अब हमें बंधी हुई भिक्षा दे रही हो। हम त्रिकालदर्शी सन्यासी हैं, हमें पता है तुम्हारे स्वामी एक स्वर्ण मृग का शिकार करने गए हैं, वो मृग के सिंगों से घायल हो चुका है, हम श्राप देते हैं उसकी मृत्यु का कारण वो मृग ही बनेगा। नहीं नहीं, श्राप ना दीजिए, मैं ही आ जाती हूं बाहर। और इस प्रकार से रावण के द्वारा माता सीता का हरण कर लिया जाता है। प्रतियमान होता है, बहुत दिन हो गए माता सीता की खोज में नहीं कर पा रहा हूँ, क्या प्रभु श्री राम को मैं जवाब दूंगा? लगता है यहाँ पे कोई देवी बैठी हुई है। मैं परम प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान हूँ, और प्रभु राम ने मुझे माता सीता के संधान में यहाँ भेजे हुए। प्रणाम माते, माते प्रभु राम ने मुझे ये मुद्रिका दी है जो कि आप हमें पहचान सके। जी माते, आप भी मुझे अपना कुछ संकट दीजिए जो कि मैं प्रभु राम तक पहुंचा सकूं, ताकि वो यहाँ आके आपको मुक्त कर सके और उनको पता चले मैं आपका संधान लगा चुका हूँ। प्रणाम माते, माते सो योजन समुद्र लांघकर मैं यहाँ आया हूँ, बहुत भूख सुधा मैं यहाँ पे हूँ, तो मुझे कुछ खाने के लिए फल फूल खाने के लिए मुझे आप आदेश देंगे तो मैं ये वन से कुछ फल फूल तोड़ के अपना चूल्हा मिटा सकूं। जय श्री राम। से हनुमान जी लंका की, रावण की उस लंका को जलाकर चले जाते हैं, विनाश कर देते हैं, और अशोक वाटिका को भी पूर्ण रूप से उजाड़ कर अपनी शुधा को शांत करने के लिए
उन सभी फलदार वृक्षों का भी नाश कर देते हैं जो अशोक वाटिका में थे, और उसके पश्चात दृश्य भगवान श्री राम भ्राते लक्ष्मण के साथ रामादल में बैठे हैं और हनुमान जी का प्रवेश होता है। लक्ष्मण, बहुत दिन हो गए सीता को गए हुए, लेकिन आज तक उनका कोई भी खबर नहीं मिली। हमने अलग अलग दिशा में सेना की कई टुकड़ी भेजी, लेकिन हर सेना की टुकड़ी से सिर्फ हमें विफलता ही हाथ लगी है। अब हमारा दिल तो बहुत बैठा बैठा जा रहा है। अब सिर्फ एक आखिरी टुकड़ी बची हुई है जिसमें महाबली अंगद है, पवन पुत्र हनुमान है और जामवंत है। अब तो हमारी सारी की सारी आशा सिर्फ उस टुकड़ी से बची हुई है। प्रभु, आप तो आदि पुरुष हैं और ये तो आप धैर्यवान हैं, आपको ये शोभा नहीं देता। जैसा कि आपने कहा, वो पवन पुत्र है, वो बहुत ही बलशाली, वो अवश्य कोई अच्छी सूचना लेकर लौटेंगे। प्रभु, आप धैर्य रख लें। लक्ष्मण, आपके भरोसे पे हमें पूरा भरोसा है। जय श्री राम, जय श्री राम, प्रभु जय श्री राम, जय श्री राम। प्रणाम प्रभु। हनुमान, तुम आ गए क्या? जी प्रभु। आपके चेहरे की खुशी ये बता रही है कि आप कुछ शुभ समाचार लेके आए हैं। जी प्रभु, मैंने माता की खोज कर ली है। सुदूर लंका में मायावी रावण ने हमारी माता सीता को अपहरण कर लिए और वहाँ पे उनको बंदी बना के रखा हुआ है। मैं आपको अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे साथ मुक्त करने के लिए माता सीता को चले। क्या बात कर रहे हो हनुमान, उस पापी रावण ने मेरी भार्या सीता का अपहरण किया है। जी प्रभु। लक्ष्मण, हनुमान, अब सेना को निकाला जाए और हम अपनी सीता को वापस लेके आएंगे। आदेश का पालन होगा प्रभु। जरूर प्रभु, उस मायावी राक्षस को हम उनका अंत करेंगे। सूचना मिलती है कि प्रभु श्री राम ने लंका पर चढ़ाई कर देती है, तो वह बिल्कुल भी विचलित नहीं होता। उसको लगता है हनुमान जी सर्वप्रथम रावण को ललकारते हैं अपने महल से बाहर आकर युद्ध करने के लिए। रावण, रावण, कहां छुपा बैठा है कायर? रावण, हम आपको एक अंतिम चेतावनी जरूर देंगे। अगर आप अपने गुनाहों को स्वीकार करें और हमारी भार्या सीता को हमें वापस लौटा दें और आप अपनी गलतियों की क्षमा मांगे तो हम आपको माफ जरूर कर देंगे और हम आपको और इस प्रकार से प्रभु श्री राम रावण का अंत करके वापस लंका में आते हैं और इस दिन को हम दशहरे के पर्व के रूप में मनाते हैं। That's it. धन्यवाद। Seems to happen, but the last